एक बाप को जरा सा भी डांटने का हक नहीं होता। तुमने कहा उसे बेटा ही समझा था, जरा मौका मिला नहीं बस उसे डांटते रहते थे ऐसे दुश्मन की तरह। तुम क्या सोचते हो दक्षा, वो मेरी वजह से घर छोड़कर चला गया है। इस बार उसे डांटना जायज था। पिछली बार जब वो फेल हुआ था और उसने आत्महत्या की कोशिश की थी, उसकी वजह थी उसकी नेगेटिव थिंकिंग, मैं नहीं। उसका कुछ नहीं था, हमेशा उसके दिमाग में बस एक ही बात डालने का, अरे भाई तू फेल क्यों हुआ, तू फेल क्यों हुआ, ये बात है ना, हथौड़ी की तरह लपती थी उसके दिमाग में उसको। आलो में मुझे ऐसा ना एक केस हुआ था जूनागढ़ में, एक बाप है ना पूरा टाइम वो बेटे को ताने देते रहता था, और एक दिन बेटे ने बस जिंदगी से ही हाथ धो बैठे थे, संसार छोड़ के चला गया बेटा। आलो में मुझे घर में है ना सबको ये चिराग से बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो भाई सब लोग एक सरे के थोड़े होते हैं। बोल देती हूँ मैं आपको, हो गया ना कुछ, मैं आपको ही जिम्मेदार ठहराऊंगी, बोल देती हूँ मैं। चाची आप शांत हो जाइए प्लीज, चाची चिराग ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचेगी। माँ बेटे के बिछड़ने से माँ के दिल को जो तकलीफ होती है वो चिराग जानता है, और वैसे भी चाची चिराग आपसे बहुत प्यार करता है, वो आ जाएगा। हाँ चाची, देखिए जैसे माँ की ममता अंधी होती है ना, वैसे ही बेटे का भी माँ के प्रति प्रेम भावनात्मक होता है। देखिएगा भावनाओं की डोर से खींचकर जल्द ही आपके पास लौट आएगा। कैसे मान लूं मैं आप लोग की बात, तुम्हें मालूम नहीं है तुलसी, आदमी है ना गुस्से में जिंदगी से हार कर कोई भी कदम उठा लेता है और बाद में फिर उसको पछताना पड़ता है, और जब प्रायश्चित करने की बारी आती है ना घर में सबको भूल जाता है। मेरा चिराग भी कुछ नहीं होगा दक्षा, पिछली बार की तरह कुछ पागलपन करके वापस लौट आएगा। दिन भर वो जिन जिन मुसीबतों और कठिनाइयों से गुजरेगा तो सब समझ आ जाएगी उसको, और दिन भर की प्यास और भूख के थपेड़े खाने के बाद रात को जब अपने आप को अकेला पाएगा तो वापस आ जाएगा। शांत रहो। अरे रे चाचू, कैसा बोल के गए, देखा तुमने चिराग के लिए बाप को भी बेटे के लिए ऐसा बोलते है। चाची प्लीज, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को, आ जाएगा वो एकदम बराबर। क्या बात है, शादी से पहले मेरा चेहरा देखने के लिए बहुत बेकरार रहती थी, और आज ऐसा वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरा चेहरा देखना पसंद भी नहीं है। होता है पति पत्नी के बीच ऐसा तनाव चलता रहता है, लेकिन मेरा किस्सा कुछ अलग ही है ना। खैर सुहासी, मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं, तुमने मम्मी के सामने सब कुछ संभाल लिया। तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, ये सब मैंने अपने आप के लिए किया है। अपने आप के लिए, मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारी समझ के बाहर है, वैसे भी तुम मुझे समझने में असमर्थ रहे हो। देखो सुहासी, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते कभी हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं और कुछ रास्ते हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं, और अब मेरी मंजिल तुम हो। मानता हूं उस तक पहुंचने के लिए, तुम्हारा प्यार पाने के लिए मुझे बहुत प्रायश्चित करना पड़ेगा। बातें करना बहुत आसान है, शादी से पहले तो बहुत कहते थे कि हमारी एक सपनों की दुनिया होगी जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, जिसे पाने के लिए सिर्फ हम दोनों ही होंगे। कहाँ गई वो खुशियाँ, कहाँ गया वो वादा? कौन सा वादा? यही कि हमारे प्यार का बंधन विश्वास की बुनियाद पर कायम रहेगा,
लेकिन तुमने तो मेरे साथ विश्वासघात किया है। हाँ हाँ किया है मैंने तुम्हारा विश्वासघात। तो क्या करना चाहती हो तुम, मुझे मेरे घर को छोड़ना चाहती हो? आखिर तुम्हारा असली चेहरा सामने आ ही गया ना, तुम और मेरे बारे में सोच भी क्या सकते हो? तुमने तो गलती कर दी, अब चाहते हो कि मैं भी कोई गलती कर दूं ताकि तुम्हारे साथ साथ इस परिवार का भी नाम खराब हो? अगर तुम यहाँ रहोगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा, तुम भी खुश नहीं रहोगी। इससे तो अच्छा होगा कि तुम मैके चली जाओ, कम से कम वहां तुम तो खुश रहोगी। मैं खुश रहूं या दुखी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम क्या जानो एक पत्नी के दुख को? अगर वो रूठकर ससुराल से मायके जाएगी तो उसके माँ बाप के लिए तो ये और भी शर्म की बात होगी। हेलो माँ। चिराग बेटे, बेटे तू कहाँ से बोल रहा है? और ये क्या पागलपन है बेटे, तूने अपने माँ के बारे में जरा भी नहीं सोचा? माँ मैं जहाँ भी हूँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अरे कैसे नहीं करूँ मैं तेरी चिंता बेटे, तू क्या खाएगा क्या पिएगा और तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई? ऐसा मत कहिए माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं हमेशा घर पर बोझ बनता आया हूँ। किसने कहा तू हम पर बोझ है? अरे बच्चे लोग कभी माँ बाप के लिए बोझ होते? तेरे पापा ने कल जरा सा केक क्या दिया, तूने मन पर ले लिया बेटे। नहीं मम्मा, शायद पापा सही कह रहे थे कि मुझे अपनी जिम्मेदारियों का बिल्कुल एहसास नहीं है। अरे तुझे काहे की जिम्मेदारी? अरे जिम्मेदारी का एहसास तो उन लोग को होता है जिन लोग की शादी हुई होती है। बेटा तू तो अभी तक बच्चा है, तुझे कैसी जिम्मेदारी? वही जिम्मेदारी जो एक बेटे के अपने माँ बाप और अपने परिवार के लोगों की तरफ होती है माँ। देख, देख मैं तुझे बोल देती हूँ, तू घर पर लौट कर आया नहीं ना तो मैं अन्न जल त्याग कर दूंगी। तू मेरा मरा मुंह देखेगा, तुझे मेरी कसम है बेटा। कसम देकर आप मेरे करियर में रुकावट डालेगी मम्मा, क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके सपने को पूरा करूं? मुझे कसम में बांध लिया ना मम्मा तो मैं शायद जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा तू घर पर रहकर भी मंजिल तक पहुंच सकता है ना? नहीं मां, कुछ हासिल करने के लिए कुछ त्याग देना बहुत जरूरी है। मैं मीर भैया और किरण भैया की तरह काबिल बनना चाहता हूँ। बेटा क्या तुम मेरे बगैर अपने घर वालों के बगैर अकेले रह पाओगे? रहना पड़ेगा माँ, मैं आदत डाल दूंगा। लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे और सुहासी के बगैर एकदम अकेली पड़ जाएगी बेटे। नहीं माँ, आपको भी मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी। मुझे ममता के बंधन में मत बांधिए मां, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जब मैं घर लौट कर आऊं तो मैं आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आऊं। लेकिन बेटे तू घर से इतने दूर, कुछ पैसे? पैसे हैं मेरे पास मां, आप मेरी फिक्र मत करना, मैं आपको फोन करता रहूंगा। बाय मामा। चिराग, चिराग, हेलो चिराग। बेटे, अपना ख्याल रखना बेटे। आप यहाँ मेरे घर में? आपको मैंने कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश की, पर लगता है आपके फोन में कोई गड़बड़। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था। जानती है सुहासी और मेरे बीच इस बात को लेकर दरार पैदा हो गई है। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। तो मिलने के लिए मुझे कहीं और बुला लिया होता, मेरे घर आने की क्या जरूरत थी? मेरे घर वाले अगर आपको यहाँ देख रहे थे तो क्या सोचेंगे? मैं यहाँ आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो बहुत गड़बड़ हो जाती। वैसे मैं आपका ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी, इस बात को जान लीजिए। आपका बेटा बीमार है, उसको दवाइयों की जरूरत है, उसके लिए इतना सब करना पड़ रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं इस बात को। मैं यहाँ अपने लिए नहीं आई हूँ, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मुझे कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। ठीक है, आप जाइए, मैं आपको कहीं बाहर मिलता हूँ। अच्छा ठीक है,
मगर ध्यान रखिएगा। जल्दी चलो। जानती हैं आपकी लापरवाही से क्या हो सकता था? प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, पर क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। जरा जल्दी भाई साहब। आप शायद मेरी जिंदगी के बारे में नहीं जानती हैं। मेरे प्यार और जिंदगी की कश्ती मुसीबतों के तूफान में फंस चुकी है, जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्हीं के पीछे हाँ जी। मुझे चिंता इस बात की अगर सुहासिनी मुझे आपके साथ देख लिया होगा तो। मैं जानती हूँ उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके प्यार भरी जिंदगी में ऐसी कोई मुसीबत आए। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, और आपके सिवा उसका कोई है भी तो नहीं। यहाँ पर ले। आज प्रिंसेस का मूड काफी खराब सा लग रहा है ना। चलिए आपका दिल खुश करने के लिए आपको बहुत अच्छी खबर सुनाते हैं। मैंने अपने माँ बाप से आपके लिए बात कर ली है और उन्हें तुम्हें लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वाओ, दिस इज रियली गुड। इसमें मतलब इतना खुश होने वाली क्या बात है? नहीं, प्यार में ज्यादातर लड़की के माँ बाप विलन बनते हैं। सृजन, मेरे ख्याल से हमारे माँ बाप जो भी फैसले करते हैं हमारे लिए, हमारी खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि कभी कभी लव मैरिज सक्सेस नहीं होते। तुम्हारा इशारा हमारी तरफ है शायद, क्योंकि प्यार के अलावा और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, जैसे कि समाज, खानदान, हैसियत। आनंद, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी सिर्फ इस बात के खिलाफ हैं कि हमारा और वीरानी खानदान का मेल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी हैसियत इतनी नहीं है। आनंद, मैं मानती हूँ कि हमें कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। सेजल, सेजल, जब मन में एक डर सा छा जाता है तभी मैं नेगेटिव थिंकिंग करने पर मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर वाले हमारे प्यार को स्वीकार करेंगे या नहीं। करना ही होगा। हेमंत भैया के जाते ही मैं डैड से बात करूंगी। बस एक बार डैड मान जाए फिर मुझे किसी की परवाह नहीं। ठीक है प्रिंसेस, तो आप एक काम करिए, आप मेरे लिए अपने माँ बाप से बात करिए और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। अच्छा सुनो, आइसक्रीम हेमंत भैया के साथ में खाओगी कि मेरे साथ में? हेमंत भैया। स्टुपिड। इधर चिराग घर छोड़ के चला गया और उधर किरण अपनी फैक्ट्री में मजदूर बनकर बैठा हुआ है। बाप, आप गलत सोचते हैं। सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। चिराग जिंदगी में जरूर कुछ बन पाएगा, लेकिन उसकी कोशिशों को कभी किसी ने नहीं सराहा। विश्वास रखिए, अगर वो जिंदगी में कुछ बन भी ना पाए कम से कम अपने लिए आत्मविश्वास तो बटोर पाएगा ना। बा, मुझे इस घर के संस्कारों पे पूरा विश्वास है। चिराग कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा।
कह रही है बेटा। माँ, अरे अरे बेटा बेटा कैसे हो तू? अच्छी माँ। बैठ 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 माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है बेटे? ससुराल में कोई प्रॉब्लम है? बच्चों के प्रॉब्लम माँ बाप नहीं देखेंगे तो और कौन देखेंगे? क्या बात है माँ, आज तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? कोई परेशानी है? क्या बात है, कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटे, चिराग, चिराग हमें छोड़कर चला गया। क्या? वो इस घर को छोड़कर चला गया। ये क्या कह रही हैं आप? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। लेकिन ये सच है बेटा, तुम्हारी कसम। हे ठाकुर जी, ये क्या अनर्थ हो गया? यहाँ पर तो माँ खुद दुखी है, फिर मेरा दुख, मेरी प्रॉब्लम मैं कैसे बताऊं?